हेलो क्रिएटर्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो बॉलिंग गेम है उससे कैसे बनाते हैं। तो हमने उसमें आपको बताया था कि स्टार्ट गेम कैसे करते हैं। स्टार्ट का दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट। ये विजिबल ऑन, तो ये स्टार्ट बटन था। स्टार्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, फिर ये गेम मेन्यू था। तो अब मैंने बोला था कि हम बताएंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कि एंड स्क्रीन कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको इसे करना पड़ेगा विजिबल ऑफ, और फिर वापस लेआउट्स में जाना है, जनरल, वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है, इसको फिल पेरेंट, हाइट और विड्थ पूरी फिल पेरेंट रखनी है। तो फिर अब आपको फिर से एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट सेट करना है इसके अंदर, ठीक है। उसमें आपको इंटरफेस में जाके एक बटन और एक लेबल ऐड करना है, बटन और एक लेबल, नहीं इसे भी वर्टी, 1 मिनट, यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं, हमें इसे सेट करेंगे वर्टिकल, एक और वर्टिकल, कहाँ गया, लेआउट्स, वर्टिकल अरेंजमेंट। तो अब इसमें सेट करेंगे बटन और एक लेबल, हो गया ऐड। फिर इसे कर देंगे सेंटर में, ये आ गया सेंटर में, ठीक है। तो इस पे कर देंगे हम टेक्स्ट है, इससे कर देंगे गेम ओवर, ये ठीक है। फिर टेक्स्ट बटन पे जाके इसकी जो टेक्स्ट है इसे करेंगे हम री स्टार्ट, ठीक है, फिर पेरेंट, इसे 20 करेंगे, 20 कर देंगे, ठीक है, 20, 25, ठीक है, 25, ठीक है, इसकी भी 25। फिर एक और लेबल ऐड करेंगे, सॉरी लेबल यहाँ पे, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे और इसकी हाइट कर देंगे 30%, हाँ नहीं 30 बहुत हो गई है, 20%, 10, 10%, 10%, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, बटन 3 को बैकग्राउंड कलर, ओके सेट, और वर्टिकल अरेंजमेंट का बैकग्राउंड कलर रेड या ब्लैक, रेड, ठीक है, रेड सेट कर दिया, हो गया। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट 3, 4, इसका भी बैकग्राउंड कलर रेड सेट, तो सेट हो गया। ये आपको आपके फ़ोन की स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है।
ये क्योंकि अभी इस ऑफ ऑन कर किया है कई बार इसलिए। ठीक है, फिर ये हो गया, इसे भी विजिबल ऑफ कर देंगे। फिर हम जाएंगे, अब हमें जो स्क्रीन वन थी वो स्टार्ट बटन थी, इसमें जाएंगे, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट जो हमने पहली स्क्रीन सेट की थी ये, तो अभी इसमें जाएंगे। तो जब हमने ये जो मेन स्क्रीन बनाई थी, जैसे कोई गेम ओपन करेगा ये, तो ये स्क्रीन आएगी आपकी मेन स्क्रीन। तो जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमारी ये वाली स्क्रीन विजिबल हो जानी चाहिए, ये मेन स्क्रीन है जो गेम की स्क्रीन है ये। तो उसके लिए अभी हमें कोड्स करने पड़ेंगे, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स में आ गए, तो यहाँ जाना है। बट ये कौन सी बटन है देख लेते हैं पहले, बटन बटन वन है। ठीक है, ये हमारी बटन वन है, आ गए वापस यहाँ पे, देखा बटन थ्री है, इसी पे अभी क्लिक कर लेते हैं। बटन वन अब ढूंढनी पड़ रही कहाँ है। तो ये मिल गए वन बटन वन क्लिक, तो अब हम बटन वन थ्री की जगह वन कर देंगे। ठीक है, तो अब जाएंगे वर्टिकल अरेंजमेंट वन में, यहाँ ढूंढना है वैन सेट वर्टिकल अरेंजमेंट विजिबल, हाँ ये रहा विजिबल, इसको ये करना है यहाँ सेट, सेट टू है ना। फिर यहाँ आपको जाना है टेक्स्ट में, या तो यहीं आपको सर्च करना है फॉल्स, ये फॉल्स आ गया, इसे यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है, इसको ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सेट विजिबल, हाँ इसको वर्टिकल अरेंजमेंट टू करते हैं और इसको ट्रू। ठीक है, तो जैसे ही हम ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो स्क्रीन टू थी ये विजिबल हो जाएगी, ये वाली, ये वाली आप मोबाइल पे ट्राई करके देख लीजिए, वर्क कर जाएगी। ठीक है, फिर तो अब हमारी जो वर्टिकल अरेंजमेंट वन थी इसकी पूरी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसे बंद कर देते हैं और अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्क्रीन जो है मेन स्क्रीन, गेम प्ले वाली जो स्क्रीन है ये मेन, तो अब हम इसमें कोर्स करेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक्स पे आ जाते हैं, यहाँ जो आपकी बॉल थी, बॉल कहाँ गई इसमें, बस हाँ ये बॉल है, यहाँ आपको सर्च करना सेट बॉल स्पीड, हाँ सेट बॉल स्पीड टू ये मिल गया, इसे आपको बटन वन पे क्लिक करना है, रखना है। ठीक है, फिर यहाँ मैच, मैच में नंबर होगा, इसे ऐड करना है और इसे आपको करना है 20। ठीक है, तो जब भी हमारी जो बटन वन रहेगी वो क्लिक होगी, क्लिक करेंगे उस पर, तो ये जो बॉल है या आपकी ये बॉल है ये यहाँ मूव होना चालू हो जाएगी 20 की स्पीड से। तो लेकिन मूव कहाँ होगी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको लेफ्ट और राइट करना है। तो यहाँ जाएंगे ब्लॉक्स पे, फिर से जाएंगे बॉल, बॉल्स पे, बॉल वन पे, ये जो है वैन बॉल वन रीच एट रिजिट, इसको यहाँ सेट करना है। ठीक है, ये किया है, तो अब हम जाएंगे लॉजिक में, नहीं कंट्रोल, हाँ ये रहा इफ, इसे ऐड किया, फिर लॉजिक ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये किया है, फिर जाएंगे बॉल में, बॉल वन आ गया सर्च, हाँ सेट बॉल, नहीं ये नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी
सेट, इसे यहाँ करना है तो वापस डिज़ाइनर पे जाएंगे। ये जो आपकी बॉल है ये जब यहाँ रहेगी यहाँ, तो इसकी क्या रहेगी 2, तो जाते ब्लॉक्स में, मैच, टू, ठीक है, ये 3 कर देते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे इक्वल नॉट इक्वल है, 1 मिनट, लॉजिक, तो इसे अब हम निकाल देते हैं यहाँ बाहर, और इसे भी, और इसे डिलीट कर देते हैं। हम जाएंगे मैच में, ये वाला, ठीक है, इसमें है ना ग्रेटर लेस देन 3, और इसे यहाँ ऐड कर देंगे। फिर से कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी प्लस वी, इसे यहाँ ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो अब एल्स इफ, ठीक है, तो अब इसको कॉपी पेस्ट, ये आ गया यहाँ, इसको यहाँ लगा लेंगे। अब डिज़ाइनर पे जाते हैं, इसे यहाँ रखते हैं यहाँ, तो इसके एक्स की वैल्यू कितनी 351, तो इसे हम कर देंगे 350, ठीक है, और साइन कर देंगे इसे ग्रेटर, ये वाला, और इसको ही फिर से कंट्रोल पेस्ट, कॉपी प्लस पेस्ट, तो फिर इसकी जो साइन रहेगी वो हम कर देंगे माइनस, ठीक है। तो जैसे ये जो बॉल है, आप मोबाइल पे चेक करो, ये जो बॉल है आपकी, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगी, यहाँ जो कोडुलर ऐप है जिस पे आप लाइव टेस्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ दिखेगा मूव होते हुए, ठीक है। और फिर अभी के लिए इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये जो बॉल है, ये जो बॉल है आपकी, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में कैसे जाएगी। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो बॉल आपकी एक्स डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो इनमें से एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो इसमें हम और भी एक्शन, ये सीन ऐड करेंगे, और आपको टोटल यहाँ 10 वैल्यू दी जाएगी, 10 10 बॉल्स दी जाएगी, तो 10 में आपको ये पूरी की पूरी बॉल्स डिलीट करनी है। तो और अगर आपने नहीं की, तो आपका जो ये है ये पहुँच जाएगा आपका स्क्रीन 3 में, जो है ये गेम ओवर। तो फिर रीस्टार्ट करेंगे तो ये जो गेम है वापस आपका ये ऑन हो जाना चाहिए, ये, ठीक है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ वेट कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।